इट इज लाइक अ वरदान टू ऑल द ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप ऑप्शन चेन की मास्टरी कर लेते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और चीज सीखने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ऑप्शन चेन खुली रहेगी सो द फर्स्ट लेसन आई वु गिव टू माई व्यूअर्स हेयर इज आई हैूज अ लॉट ऑफ मनी जब मुझे यह लेसन समझ में आया नेवर टच एंड ऑप्शन जिसकी ऑप्शन चेन में आपको लिक्विडिटी नहीं दिख रही है हाई फ्रेंड्स

मार्केट ट्रेडिंग एंड डरिवेटेज मार्केट ट्रेडिंग डेरवेटेजर टूडेट न्यू ट्रेडर इंटरेस्टिंग ऑप्शन एंड सेलिंग ऑप्शन कॉल बाय और पुट बाय बस यही दो चीजें होती है और या फिर थोड़ी सी और एजुकेशन आ गई थोड़ी और लिटरेसी आई तो हम ये बोल देते हैं चलिए कॉल का बायर होता है कॉल का सेलर होता है पुट का बायर होता है पुट का सेलर होता है तो ये चार पार्टीज होती हैं, और अगर किसी को इन चारों के बारे में पता है तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग के उन्हें ऑप्शन आता है नहीं कि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि कॉल बाय कॉल सेल पुट बाय और पुट सेल क्या होता है ओनली थिंग इन ऑप्शन ऑप्शन एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है एज इन अगर हम आज ऑप्शन के बारे में बात करना शुरू करें तो कम से कम अगर आप पढ़ने के लिए भी बैठेंगे ऑप्शन को तो कम से कम आपको 50 से 100 घंटे की स्टडी सिर्फ ऑप्शन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कि ये सारी टर्मिनोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है दोस्तों अभी मैं इस बारे में तो बात भी नहीं कर रहा डेल्टा की वैल्यू कहां चेंज होगी कितनी चेंज होगी और वेगा की वैल्यू कितनी चेंज होगी तो मेरे ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे चेंज होगी अभी हम उतनी डेप्थ में तो जा ही नहीं रहे हैं अभी तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है टाइम वैल्यू क्या होती है ऑप्शन की बेसिक डिटेल्स क्या होती है टर्मिनोलॉजी क्या होती है इनका मतलब क्या होता है सिर्फ यही सीखने के लिए आपको एक लंबी जर्नी ट्रेवल करनी पड़ सकती है और क्योंकि आप आज इस चैनल पे आए हैं इसका मतलब आप सीखने के लिए ऑलरेडी इच्छुक हैं सो वी सोन लेट यू डाउन एट अप सर्च वी आर ऑलवेज कमिटेड टू यू द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम द द द द बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑफ एंड रिसोर्स पीपल अवेलेबल इन द मार्केट और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू जिसकी ऑप्शन ट्रेडर की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये जिस चीज की हम आज बात करने वाले हैं इस चीज का नाम है ऑप्शन चेन आई एम वेरी श्योर अगर आप पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों से ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने ऑप्शन चेन के बारे में ये वर्ड तो आपने सुना होगा और आपने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इस ऑप्शन चेन को जाके एक बार देखा जरूर होगा बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग टूडे विच वेरी फ्यू पीपल वु टेल यू इज दैट ऑप्शन चेन अकेली ये एक टेबल

प्राइस देखने की भी जरूरत नहीं है आप मुझे सिर्फ रेगुलर इंटरवल पे यह बताते रहिए कि कॉल और पुट की मूवमेंट्स कहां कहां पे हो रही है मैं सिर्फ इसी डेटा को इंटरप्रेट करके अपने माइंड में सोच के इस चीज की फॉरकास्टिंग कर पाऊंगा शायद कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में ज्यादा है मार्केट के जाने की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर बैठती है ये अकेली एक टेबल विच इज ऑप्शन चेन इट इज लाइक अ वरदान टू ऑल द ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप ऑप्शन चेन की मास्टरी कर लेते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सीखने है। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने चेन खुली जिस तरीके से मार्केट में पैसे एम श्योर की आपको ऑप्शन आप तो में इंटरेस्ट है पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बनने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए प्लेटफॉर्म ज्योति बुद्धिया मैम ने सारे सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सिखाए हैं तो आज, ही और एक so time, आज हम चलते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस से पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन की सारी टर्मिनोलॉजी तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट टॉकिंग ऑप्शन चेन क्या होती है किस किस टाइप का डेटा हिडन होता है हम वो सारी डिटेल्स आज ऑप्शन चेन की कवर करने वाले हैं कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी ऑप्शन चेन में इंपॉर्टेंट होती है कौन-कौन से पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आप किस तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन को देखते हुए सबसे पहले हम आज इसको स्टडी करने के लिए दो प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे पहला एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म और दूसरा ऑप्शन ट्रेडर बाय धन जहां पर अगेन वन क्लिक पे आपके साथ आपके सामने बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है सो so, सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे और अगर आप इसको मेरे साथ साथ कर पाएंगे देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड ऑल्सो यहां पर आप सिंपल गूगल पे टाइप कीजिए निफ्टी ऑप्शन चेन इंटरेस्टिंगली ऑप्शन चेन सारे स्टॉक्स की भी होती है इंडेक्स mm. की भी होती है

प्रोडक्ट्स जिनमें आपको थोड़ा बहुत डेटा यहां पर मिल जाएगा लेकिन हमारे काम की जो चीज है इट इज इक्विटी स्टॉक तो हम इक्विटी पे चलते हैं और इक्विटी पे भी यू हैव निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी अपार्ट फ्रॉम दिस आप स्टॉक का भी ऑप्शन चेन निकाल सकते हैं सो so यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूं यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो यहां पर रिलायंस की ऑप्शन चेन हमने ओपन कर ली है देर आर मोर देन वन नाइनटी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज

सो so, आप जहां पर ये कलर चेंज हो रहा है ये कलर क्यों चेंज हो रहा है ये हम थोड़ी देर में भी देखेंगे सो so, यहां पर जहां पर कलर चेंज हो रहा है यहां पर आपको ये पूरी शीट ऑलमोस्ट पूरी शीट पॉपुलेटेड दिख रही है विच इज अ वंडरफुल थिंग किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं सो so, यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं रैमको सीमेंट की ऑप्शन चेन ओपन करता हूं आप यहां देखिए ज्यादातर एरिया आपको खाली दिख रहा है और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके अंदर किसी छोटी कंपनी का उठाते हैं फॉर एग्जाम्पल कैडिला जिसका भी नाम चेंज होके हो गया लाइफ, तो मैंने यहाँ जाइडस लाइफ का चार्ट खोला आप ये ऊपर से नीचे तक जब इसको लेकर जाएंगे तो यू सी मोस्ट ऑफ द एरिया आपको यहां पर वेकेंट दिख रहा है जहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें लिक्विडिटी नहीं है स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जिनमें इस कलर चेंजिंग एरिया के आसपास भी आपको लिक्विडिटी नहीं दिखती है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस को अगर आप टच करेंगे तो आप इसमें एंट्री तो ले पाएंगे लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप एग्जिट करने की बारी आएगी उस टाइम पे आपको काउंटर पार्टी नहीं मिल सकती है और अगर आप बाय चांस वहां पर ऑप्शन सेलर हुए और ऑप्शन सेलर कैन मेक अनलिमिटेड लॉस आप अगर आज ऑप्शन चेन की वीडियो देख रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर आपको ऑप्शन के बेसिक्स मालूम होंगे

यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन और मार्केट क्रैश करेगी मार्केट शार्पली नीचे आएगी मार्केट ज्यादा नीचे आएगी आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका प्रीमियम लूज हो जाएगा थोड़ा सा एंड एंड एज एज अ पुट सेलर यू एक्सपेक्ट द मार्केट मार्केट टू गो अप ऊपर रहेगी या फ्लैट रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा लिमिटेड प्रॉफिट रहेगा प्रीमियम तक का और अगर ये मार्केट नीचे जाएगी तो आपका लॉस अनलिमिटेड बढ़ता रहेगा सो so ये चार आपकी पार्टीज हो गई और यहां पर अगर आपने ऑप्शन सेलिंग करी किसी ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें लिक्विडिटी नहीं है उस केस में अगर आपने हाइपोथेटिकली कॉल सेल करी और ये मार्केट शार्पली ऊपर जाती जा रही है एंड नाउ यू वांट टू एग्जिट द पोजीशन लेकिन आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि काउंटर पार्टी अवेलेबल नहीं है और मार्केट ऊपर लगातार जाती जा रही है लेकिन काउंटर पार्टी आपको फेवरेबल प्राइस नहीं दे रही है जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट से एग्जिट नहीं कर पा रहे और या फिर किसी भी ऊंट पटांग रेट पर आपको एग्जिट करना पड़ रहा है तो आपके लॉसेज बहुत ज्यादा हो सकते हैं इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहिए जिनमें लिक्विडिटी नहीं है स्पेशली ऐसे ऑप्शन प्रोडक्ट से दूर रहिए आई वुड से आपने अगर कोई ऐसा स्मॉल कैप शेयर कर लिया है आपने कोई बहुत छोटी कंपनी का शेयर कर लिया है जिसमें लिक्विडिटी नहीं है और उसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं गलत यह भी है लेकिन यहां पर फिर भी आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म के अंदर यह कंपनी रिवाइव कर भी सकती है और अदरवाइज आप इसको दो साल तीन साल पांच साल तक होल्ड कर सकते हैं रिकमेंडेड यह भी नहीं है लेकिन डेरिवेटिव मार्केट का इश्यू ये रहेगा कि ये तो अगले महीने एक्सपायर होने वाला है ये तो चार चार दिन के बाद दस दिन के बाद बीस दिन के बाद ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के बाद ये एक्सपायर होने वाला है

मैंने कुछ ऐसे ऑप्शन सेल कर दिए थे जिनमें इवेंचुअली लिक्विडिटी गायब हो गई थी ड्रेन आउट हो गई थी तब से लेकर अब तक इट्स बीन मोर देन 15 इयर्स, आई हैव नेवर टच लैक लिक्विडिटी जिसमें लिक्विडिटी गायब होने का या जिसमें लिक्विडिटी ड्राई आउट होने का डर भी रहेगा लेट मी टेल यू वन थिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन सचिन तेंदुलकर इतने महान प्लेयर ज्यादा बॉल्स खेलकर नहीं बने हैं अच्छी बॉल्स खेलकर बने हैं जो उनको लगा कि मेरे बैट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बॉल है उसको खेलकर वो अच्छे प्लेयर बने हैं। ठीक उस तरीके से आप एक अच्छे ट्रेडर ज्यादा प्रोडक्ट्स में ट्रेड करके या ज्यादा ट्रेड करके नहीं बनेंगे आप एक अच्छे ट्रेडर अच्छे ट्रेड करके बनेंगे इसलिए पहले ट्रेड की अच्छाई ये होनी चाहिए कि आप सही प्राइस पे एंट्री और सही प्राइस पे एग्जिट कर पाए आइए चलते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं यहां पर हम ये आपको निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है निफ्टी में कई सालों की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन सब में लिक्विडिटी नहीं होती है लेकिन अगले तीन महीने के आर लिक्विड एज यू कैन सी जनवरी जनवरी एंड ऑफ ये नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट है फिर उसके बाद एट फेब्रवरी और ये फरवरी, एथ मार्च यहां तक आपको लिक्विडिटी डिसेंट मिलेगी एज यू कैन सी यहां पर लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी लेकिन स्टिल आप एग्जिट कर पाएंगे इतनी लिक्विडिटी आपको मिल सकती है लाइक यू सी यहां पर भी आपको अच्छा खासा बरा भरा माहौल देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर अब हम जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं यहां देखिए यहां लिक्विडिटी ड्राई आउट हो गई और यहां पर अगर हम चार साल बाद के कॉन्ट्रैक्ट को देखे है, देखते हैं यहां पर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं सो दीज आर एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस अभी हम यहां पर चूज नहीं कर रहे हैं हम लेटेस्ट एक्सपायरी पे आते हैं एटीनथ जनवरी ऑन द लेफ्ट साइड आर द कॉल्स एंड ऑन द राइट साइड आर द पुट्स लेफ्ट साइड पे आपको सारी कॉल्स मिलेंगी राइट right साइड पे आपको सारी पुट्स मिलेंगी सेंटर में आपको सारे स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे so, 19,800, 20,000, 20,100, 20,200। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है यहां पर इंडियन मार्केट्स में आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले वेन आई स्टार्टेड माई ट्रेडिंग जर्नी उस टाइम पे सिर्फ 100 के मल्टीपल्स में स्ट्राइक प्राइसेस एग्जिस्ट करते थे सो निफ्टी वॉस ट्रेडिंग एट अर अप्रोसीमेटलीट से फोर

55 का चेंज हुआ 83 का चेंज हुआ जबकि जो 50 के मल्टीपल्स के लॉट साइजेस हैं, उसमें 700 का चेंज हो रहा है 350 का चेंज हो रहा है कुछ भी उठपटांग नंबर आ रहे हैं इसके अंदर ये आज का चेंज है इसमें हम थोड़ी देर में आएंगे बट आप नोटिस कीजिए कि बिड और आस का जो स्प्रेड है यहां पर अगर आप गैप देखते हैं ट्वेंटी वाले ऑप्शन में जो बायर और सेलर का गैप है इट इज अप्रोक्सीमेटली फाइव जबकि वही थ्री वाले में आप देखेंगे तो वहां द गैप इज

आज मार्केट में कॉल्स की वैल्यू नीचे गई है तो ये सारी कॉल्स का चेंज जो है वो आपको नेगेटिव दिख रहा है दिस 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 इज 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 द द द द बिड बिड क्वांटिटी क्वांटिटी एंड एंड प्राइस प्राइस सो ये कुछ पैरामीटर्स हो गए आपके लिए अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की तरफ इसमें तीन पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पहला किसी भी ऑप्शन की आईवी कितनी चल रही है इंप्लाइड दिस आईवी इज नॉट इंट्रेंसिक वैल्यू दिस आईवी इज तो अगर आपकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है एंड कम्स दोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा विच इज ओ आई एंड द चेंट आई रेफर टू एज द डायमंड माइन और द गोल्ड माइन जहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ऑन लेफ्ट साइड आपको कॉल्स का ओपन एंट्रेस मिल रहा है ऑन द राइट साइड आपको पुट्स का रेलिवेंट हो सकता है आपको ना लगे, chart, आप, के पे जाकर, आप पर चार्ट भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको लाइव ओपन इंटरेस्ट भी पर दिख रहा होता है जो भी हम जो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं सो so, यहां पर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट सो वट डी यू मीन बाय ओपन इंटरेस्ट ऑल दो इस पे एक सेपरेट वीडियो किया जा सकता है कि ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से एनालाइज किया जाए और किस तरीके से इससे डेटा इंटरप्रेट किया जाए लेकिन मैं यहां पर वीडियो के एंड में एक बार ओपन इंटरेस्ट का रेलिवेंस भी आपको यहां पर जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी एक इंटरप्रिटेशन की जा सकती है वहां पर जाने से पहले यहां पर आपको मल्टीपल कलर्स दिख रहे हैं ये जो येलो कलर या ब्राउन कलर में जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं दीज आर इन द मनी ऑप्शन और जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहे हैं दीज आर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी वन पे इस टाइम मार्केट चल रही है तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड का कॉल ऑप्शन इज इन द मनी ऑप्शन तो लेफ्ट साइड पे आपको सारे कॉल्स के इन द मनी ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये सारे के सारे के आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन से पुट्स में ये वाले जितने ऑप्शन है ये सारे इन द मनी पुट ऑप्शन है और जो ऊपर वाले दिख रहे हैं आपको ये सारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है और जहां पर यह कलर चेंज हो रहा है इसे ये ऑप्शन आपका एट द मनी ऑप्शन है ये एक दो options जो एट द मनी बोल सकते हैं अराउंड हैं तो ये सारे मनी ऑप्शन आते हैं धन के options trading platform पे हम यहाँ पर इसको इन करते हैं और यहां पर हम क्लिक करते हैं ऑप्शन ट्रेडर पे और हमारे सामने यहां पर ओपन हो जाता है ऑप्शन ट्रेडर का प्लेटफॉर्म और यहां पर आई गो टू मार्केट्स आई क्लिक ऑन एनी ऑप्शन और यहां पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन चेन ये रहे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस और यहां पर भी आपको मल्टीपल कलर्स में इन द मनी एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस देख रहे हैं और मोर ब्यूटीफुली यहां पर ऑफकोर्स आप अपने ट्रेड डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर कितना चेंज आया कितना परसेंटेज चेंज आया किसी ऑप्शन के अंदर ये भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है कितने का है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स का 174.44 लाख आपके ट्रेड हुए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कौन कौन से ओपन इंटरेस्ट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है आपको यहीं पर डायरेक्टली दिख जाएगा एज यू कैन सी ये सारे ऑप्शन जो है इनका ओपन इंटरेस्ट बहुत शार्पली इंक्रीज हुआ है आज और यहां पर आप नोटिस करो राइट right साइड पे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है तो अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जहां पर हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ ओपन पोजिशन इन द कॉन्ट्रैक्ट कितनी पोजिशन ओपन है मार्केट के अंदर इसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं कुछ लोग इसको सेल कर रहे हैं लेकिन एक इंटरप्रिटेशन वेरी सेफ इंटरप्रिटेशन जो हम यहां पर ले सकते हैं वो ये है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है ये इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बहुत सारे लोग इस टाइम कॉल्स में एंटर कर रहे हैं एज अ कॉल बायर एंड एज अ कॉल सेलर लेकिन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट यहां पर कॉल्स में जनरेट होता जा रहा है स्पेशली ये इन द मनी कॉल्स में और लोगों का इंटरेस्ट पुट से निकलता जा रहा है स्पेशली इन द मनी पुट से देयर वुड बी सम रीजन इसको हम डिटेल में कवर करेंगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर कि इस ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है वो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है और यहां पर ऑन दिस धन प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग स्ट्राइक के ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं फर्स्ट फेब्रवरी का ऑप्शन आपको दिख रहा है एट फेबर का ऑप्शन ट्वेंटी का ऑप्शन एंड यू सी वो जिस तरीके से मूव कर रहा है इट विल मेक योर लाइफ एज अ ट्रेडर वेरी इजी वेरी कन्वीनियंट आपको यहां पर दिखता रहेगा कि कौन कौन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं मीन्स कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में लोगों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है नॉट जस्ट बाई नंबर बट ऑल्सो थ्रू द चार्ट एज यू कैन सी देर आर सर्टेन लाइन

और मैंने इसको यहां पर EMA के ऊपर अगर मुझे इसको बाय करना था सेल करना था वो मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर इसकी बाइंग और सेलिंग कर सकता हूं नॉट जस्ट दिस मैं यहीं पर ही इन्हीं इंडिकेटर्स के थ्रू मैं इसके ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक भी कर सकता हूं यू सी किस तरीके से इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कम हो रहा है वापिस चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ तो ये रही पूरी ऑप्शन चेन आप सिंगल क्लिक बाय और सेल कर सकते हैं यहीं से ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं और यहीं से ही आपको फुल स्क्रीन चार्ट या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई अलर्ट भी सेट कर सकते हैं नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट यू कैन ऑल्सो चेक ऑल द स्ट्राइक्स और ओनली द एक्टिव स्ट्राइक्स नाउ सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस पैरामीटर इज कि आपको इन लिक्विडिटी से दूर रहना है यू कैन ऑलवेज ऑप्ट आउट फॉर ऑल द स्ट्राइक्स एंड ऑप्ट इन फॉर ओनली एक्टिव स्ट्राइक्स तो यहां पर आप सीधा वन क्लिक पे हमेशा ही ऐसे इन लिक्विड ऑप्शन से दूर रहेंगे और यहां पर एक लास्ट पैराीटर यहां पर देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर हम इस डेटा के बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो हम इस एन ऑप्शन चेन में डेटा में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं यहां पर आप देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर इट इज द टोटल ऑफ ओपन इंटरेस्ट टोटल ऑफ वॉल्यूम तो ये ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव कॉल्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑन द राइट साइड यू हैव पुट्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट गिव्स मी अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज पीसीआर पुट कॉल रेशो सो पुट कॉल रेशो इज अनदर पैरामीटर डेरिवेटिव स्ट्रेटी में यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस ऑप्शन ऑफ दिस डेटा सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑप्शन चेंज लेट मी रिक फॉर यू कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्राइक प्राइस बिड आस्क कॉल पुट लास्ट एडिट प्रीमियम चेंज इन द प्रीमियम वॉल्यूम of of calls and volume of puts. and volume puts the most important thing, open interest and change in open interest and another very important thing is pcr open interest or pcr ek bahut hi एक बहुत ही ये बहुत ही बड़े टॉपिक है pe हम जल्दी एक और वीडियो लेकर आएंगे लेकिन आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन कितना इंट्रीकेट कितना डिटेल टॉपिक है हम इसमें जितना डाइव करेंगे हम इसमें जितना डीप जाएंगे ये उतना बड़ा समुद्र होता जाएगा और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर आप सिर्फ कॉल और पुट बाय और सेल करना जानते हैं तो डो नॉट थिंक दैट यू नो अ लॉट अबाउट अबाउट ऑप्शन इज मोर ऑप्शन एनालिसिस एंड नॉट जस्ट कॉल पुट बाय एंड सेल आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ट्रेडिंग आपका और आपके दोस्तों का भी पैशन है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपको आज क्या क्या सीखने को मिला इस वीडियो से थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो